आज हम पढ़ने वाले हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स स्पेशली फॉर टीफर, बीएचयू, डीयू और जितनी भी सारी हमारी एमएससी एंट्रेंसेस होती है उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। टोटल 15-16 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑन मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो मेन ग्रुप एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन मेन ग्रुप एलिमेंट से पूछे जाते हैं। तो कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि उस क्वेश्चन के पीछे हमारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और उस क्वेश्चन में किस तरीके से हम ऑप्शन को कैंसिल आउट करके करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज फ्रॉम टीफर। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ, सी ग्लोबल वार्मिंग आज बहुत ही कॉमन चीजें हो गई है बिकॉज टेम्परेचर क्या हो रहा है, अर्थ का बढ़ते जा रहा है। तो आइदर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। तो सारी चीजों को हम इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोब मीन्स हमारा अर्थ और वो क्या होते जा रहा है, वार्म होते जा रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर्स वगैरह जो है वो क्या होते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, राइट। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, वार्म मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स इट इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, राइट। तो सबसे पहले तो यही बात होगी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इट इज लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, ठीक है, या फिर से मैं बोल सकती हूँ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। अब ये ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से हो रही है, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ, ऐसा क्या इंक्रीज हो जाता है हमारे एनवायरमेंट में जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज, ग्लोबल वार्मिंग अकर्स व्हेन CO2 एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट एंड ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीजेस इन द एनवायरमेंट, ठीक है। तो जो भी देखो क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग अकर्स व्हेन CO2 एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट कलेक्ट इन एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड सोलर रेडिएशन दैट हैव बाउंस्ड ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब जितने भी जो चीजें होती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस होती है, अगर या अर्थ का कोई जो पॉल्यूटेंट होता है अगर वो इंक्रीज हो जाता है, उस वजह से एक वार्म मतलब टेम्परेचर क्या हो जाता है, अर्थ का इंक्रीज हो जाता है और वो अर्थ के सरफेस पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है, वार्म हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या फिर इन शॉर्ट उसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो मिथेन होता है, ठीक है, मिथेन इज व्हाट, CH4 एंड CO2, और सबसे ज्यादा CO2 किस वजह से, ऑटोमोबाइल्स या इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट के वजह से, एक्सट्रीम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका जो लेवल होता है उसी को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड उस मिथेन एंड CO2 का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस इज ग्रीन हाउस गैसेस, और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंक्रीज होते जा रहा है अर्थ में तो क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखो किस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो वाटर वेपर, वाटर से क्या ही प्रॉब्लम है, वाटर तो बहुत अच्छी बात है, तो वाटर वेपर से कोई भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। मिथेन एंड CO2 इन द एटमॉस्फेयर, मिथेन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, मिथेन इन द एटमॉस्फेयर एज वेल एज CO2, मतलब दोनों भी, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब मिथेन एंड CO2, इसके इंक्रीज होने से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आई बात, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, ऑल्दो बोथ NF3 एंड NCl3 आर कोवेलेंट इन नेचर, मतलब उन्होंने खुद आपको मेंशन करके दिया है कि जो NF3 है और NCl3 है उनका जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट, ठीक है, मतलब कोई भी आयोनिक बॉन्ड नहीं है उनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि जो NCl3 है दैट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस वेयर इज NF3 डज नॉट, मतलब सिंपल सी बात है कि दोनों कोवेलेंट नेचर के हैं, दोनों कोवेलेंट नेचर होने के बावजूद यहाँ लिखा गया है कि जो NCl3 है वो इजिली क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर लेता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब क्या, कट करना, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से, मतलब जो NCl3 है उसे इजीली हाइड्रोलिसिस हो सकता है लेकिन NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। अब हाइड्रोलिसिस से सिंपल मीनिंग है कि व्हाट इज हाइड्रा, हाइड्रा इज वाटर, मतलब अगर हम NCl3 के साथ वाटर को ट्रीट करते हैं तो वो इजिली वाटर के साथ रिएक्शन देगा लेकिन NF3 वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी वजह हमें पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो NF3
इज मोर स्टेबल देन NCl3, इस तरीके का लिखा हुआ है। फिर बात हो रही है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज मोर देन NCl3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरिन इज मोर देन क्लोरिन। ठीक है, ये तो बिल्कुल राइट है कि जो फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जितना भी हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो जहां पर जो फ्लोरिन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरिन है विच इज मच मोर ग्रेटर देन द क्लोरिन, नो डाउट, ये स्टेटमेंट राइट है। लेकिन जो हमें क्वेश्चन पूछा है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा होने की वजह से क्या हाइड्रोलिसिस में अफेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले ये देखो क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया NF3, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, NF3 और नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। फिर हम बात कर लेते हैं NCl3, ये भी पिरामिडल ही रहेगा जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब पर्टिकुलर में NF3 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। ठीक है, मतलब यहां पर p ऑर्बिटल प्रेजेंट है दोनों में। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो नाइट्रोजन एज वेल एज फ्लोरीन, चलो फ्लोरीन की भी बात कर लेते हैं कि जो नाइट्रोजन एज वेल एज फ्लोरीन नाइदर, मतलब नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों में नाइदर हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब यहां पर नाइट्रोजन के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, और फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है और नाइट्रोजन का साइज भी बहुत स्मॉल है, और दोनों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल या एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल इनके पास प्रेजेंट नहीं है और ऑलरेडी इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या वाटर के साथ इसे ट्रीट करते हैं, तो सिंपल सी बात इतनी तो समझ में आ रही है कि नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं जो अपकमिंग कोई, अगर जैसे इसको मैंने यहाँ ट्रीट किया वाटर के साथ, ठीक है, तो वाटर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर का काम क्या है, डोनेट करना, तो ये लोन पेयर क्या कर सकता है, इसे डोनेट कर सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल या फ्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो जो लिगैंड है ऑक्सीजन, मतलब जो उसके पास लोन पेयर्स है, अगर लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा तो उसके तो कोई एक्सेप्ट करने के लिए भी तो होना चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डोनेट करेगा, जब नाइट्रोजन के पास भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है और फ्लोरीन के पास भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और क्लोरीन का जो साइज है वो भी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो अगर फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज बड़ा है तो वो अपना ऑक्टेट भी क्या कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है, उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने के वजह से, है ना। जैसे कि यहां पर मैं इस तरीके से अगर आपको रिएक्शन करके बताऊं कि ये NCl3 है, ठीक है, और यहां मैंने बता दिया एक लोन पेयर है और ये क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो कोई भी अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल अगर अपने लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा तो इस एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इस एम्प्टी डी ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और अगर उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास वो जगह खाली है, इसीलिए वो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि क्लोरीन के पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास उतना बड़ा साइज है, वो उसे रख सकता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसे कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा तो उसे कहाँ रखना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर क्या कर सकता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के पास हो सकता है। बट यहाँ पे अगर मैं इसे वाटर के साथ ट्रीट करूँ किसे, NF3 को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि इन दोनों के पास ना नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना फ्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो वाटर की रिएक्शन इसके साथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि NF3 वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है। वही अगर हम बात करेंगे NCl3 की, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन, NCl3 ड्यू टू द हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल है मतलब अपकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो वो अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल में उसे क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से पढ़ो। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ रिएक्शन हमको दी हुई है, AU plus O2 plus thrice F2। चलो इसे लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, AU क्या होता है, AU गोल्ड, ठीक है, प्लस O2 प्लस थ्राइस F2 विच गिव्स
टू प्लस ओके, और हमें ये देता है एयू एफ सिक्स माइनस। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसे बस कॉन्सेप्चुअली हम थोड़ा देखेंगे किस तरीके से कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है और किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात, एक बात बिल्कुल क्लियर रखो, एक होते हैं हमारे मेटल्स, एक होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की। मेटल की टेंडेंसी ही क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब मेटल की एक खासियत ही होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं कि मेटल क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो मोस्टली यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दिया है एयू के लिए, एंड हमें पता है एयू जो है हमारा गोल्ड है। ठीक है, जो कि क्या है? मेटल, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब सबसे पहली बात, यहाँ एयू सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो एयू की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब आफ्टर द रिएक्शन AU की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करना चाहूँ, तो चलो मैं देखती हूँ कि मुझे AU की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, तो मैं इसे X कंसीडर करूंगी। एक फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ 6 फ्लोरीन है, मतलब 6 नेगेटिव चार्ज होंगे, तो यहाँ आ जाएगा -6 इक्वल्स टू -1, एक्स विच इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6, और एक्स की वैल्यू आ जाएंगी +5, मतलब यहाँ पर जो गोल्ड है हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है रिएक्शन करने के बाद। ठीक है, तो रिएक्टेंट में जो गोल्ड था वो पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और फिर उसके बाद वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो एयू है 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एयू इंक्रीजेस। समझ में आ रही है बात कि ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में जिस मेटल की जीरो थी वही प्रोडक्ट में जाकर +5 हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? बढ़ जा रही है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रही है मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती? कम हो जाती तो हम कहते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाता, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर क्या हो रही है? बढ़ रही है, मतलब वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो भी रिड्यूस लिखा है वो दोनों ऑप्शन हम वैसे ही क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। देखो यहाँ पर O2 फॉर्म में दिया है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ऑक्सीजन की, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? बढ़ रही है, मतलब ये भी क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जहां पर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज बोला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? कम हो रही है, तो रिडक्शन हुआ है। अब बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। अब इसका जो अटैचमेंट है इसे ध्यान से देखना, फ्लोरीन क्या हुआ है? रिड्यूस। ऑब्वियस, देखो ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, तो इससे अटैच्ड वाला जो फ्लोरीन है जो कि लिगैंड की तरह काम करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम हो रही है मतलब ऑब्वियसली ये क्या हो चुका है? रिड्यूस हो चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है कि देखो एक तो आप बिल्कुल समझ जाओ कि जो मेटल है वो इजीली क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। या फिर आप सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो रिएक्टेंट में, उस पर्टिकुलर मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में जाने के बाद कम हो रही है मतलब वो मेटल रिड्यूस्ड हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है मतलब वो मेटल ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। सिंपल, क्लियर दिस इज? हाँ, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। उन्होंने पर्टिकुलर एक रिएक्शन दी हुई है, LiAlH4 प्लस Thrice NHCl इन द प्रेजेंस ऑफ टोलिन। तो टोलिन क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद LiAlH4 आपने काफी पढ़ा है ऑर्गेनिक में, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो इतना समझ में आ रहा है कि इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स की जब भी आप कुछ रिएक्शन देखते हो तो कुछ आप हमेशा याद रखना, जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं, अगर आपको MgCO3 दिया है, बोलने का मतलब अगर आपको कार्बोनेट दिया है, क्या दिया हुआ है आपको? कार्बोनेट दिया हुआ है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वहां पर प्रोडक्ट में CO2 गैस क्या हो जाए? रिलीज हो जाए।
ठीक है, अगर आपके रिएक्शन में या फिर रिएक्टेंट में कार्बोनेट स्पीसीज दी है तो देर इज पॉसिबिलिटी कि CO2 गैस का एफरवेसेंस आपको ऑब्जर्व हो। ठीक है, अगर जैसे हम कार्बोनेट की बात करें, वैसे सल्फेट की अगर हम बात करते हैं, जैसे SO3 अगर आपको दिया होता है तो देर इज पॉसिबिलिटी कि SO2 गैस क्या हो जाए, इवोपरेट हो जाए। ठीक है, वैसे ही पर्टिकुलर कोई रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और कोई भी रिएक्शन हीट देते हैं या रिफ्लक्स सिस्टम देते हैं, तो अगर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है तो देर इज पॉसिबिलिटी कि वो वाटर बनकर निकले। ठीक है, और अगर सिंपली हाइड्रोजन है आपको रिएक्शन मिक्सचर में तो देर इज पॉसिबिलिटी कि वो H2 गैस बनकर निकले। ठीक है, ये मतलब समझने वाली बात है कि अगर आपको कार्बोनेट अगर दिया हुआ है तो देर इज पॉसिबिलिटी कि CO3 अगर गिवन है तो CO2 गैस का एफरवेसेंस हो। ठीक है, या फिर SO3 अगर आपको दिया हुआ है तो SO2 गैस निकल सकती है इवोपरेट होकर। फिर अगर हाइड्रोजन भी है आपके रिएक्शन में और ऑक्सीजन भी है, ठीक है, मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर इनऑर्गेनिक की रिएक्शन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वाटर बनकर निकल जाए। ठीक है, या सिंपली अगर हाइड्रोजन है तो H2 गैस बनकर निकल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, LiAlH4, एंड वी नो दैट कि जो LiAlH4 इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, इट इज अ गुड एज वेल एज, इसे गुड ना कहते हुए स्ट्रॉन्ग कहो, ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये सारी चीज हमने ऑर्गेनिक में पढ़ रखी है कि LiAlH4 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सभी को रिड्यूस कर सकता है, एस्टर, अमाइड, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड एक्सेट्रा, इट्स अ गुड और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ये हाइड्राइड डोनर है। ठीक है, क्या है ये, हाइड्राइड डोनर। अब इस रिएक्शन को देखो, LiAlH4, ठीक है, लिथियम इज अ पॉजिटिव मेटल और इससे अटैच जो स्पीसीज है LiAlH4, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन, इससे अटैच है 3 ethyl group, ठीक है, क्या अटैच है, 3 ethyl group अटैच। फिर इसी से अटैच है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, बट यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड बनाया है इसलिए नाइट्रोजन पे क्या दे दोगे, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर है क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, और इसको यहाँ पर टोलिन के साथ आपको दिया हुआ है और आपको पूछा है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। अब सबसे पहली बात, ये जो क्लोरीन है इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन से अटैच नहीं है, जस्ट अट्रैक्शन है इनके बीच में, मतलब आयोनिक अट्रैक्शन। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ रहा है कि LiAlH4 से ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव एटम से अट्रैक्शन है, तो ये जो अगर इनके बीच में रिएक्शन हम करते हैं तो ये जो Li पॉजिटिव है ये Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जो लिथियम है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, जो क्लोरीन है इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, मतलब एक ही के साथ बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा तो बॉन्डिंग बनाने की इनमें मतलब एक्सपांड ऑक्टेट का एक्सपांड करने की शक्ति तो इनमें होती नहीं है। ठीक है, एक ही बॉन्ड बना सकते हैं ड्यू टू द हैविंग 1 वैलेंसी। ठीक है, अब इसके बाद Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा, बना लो, क्या बन जाएगा, LiCl। ठीक है, अब क्या बचता है, LiAlH4 N80 thrice H। ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब आपके सिस्टम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है तो देर इज पॉसिबिलिटी कि वाटर बने, बट यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो देर इज पॉसिबिलिटी कि कौन सी गैस निकल जाए, H2 गैस। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से अगर मैंने H2 निकाल दिया तो ये क्या, देखो यहां से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल गए, अब यहां पर बच गया AlH3। ठीक है, AlH3 और N80 thrice, ये क्या बन गया, एक अडक्ट बन गया। किस तरीके का अडक्ट बनेगा, ये देखो, ये ईटी नाइट्रोजन से 3 ethyl अटैच्ड है, इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और एल्यूमिनियम के पास क्या प्रेजेंट होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह फॉर्म कर सकता है, और ये लोन पेयर यहाँ पर ये क्या हो सकता है, डोनेट हो सकता है ड्यू टू द हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये इस तरीके का अडक्ट बनकर आता है, तो क्या बनेगा, LiCl H2 एंड दिस अडक्ट, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 0.5 मोल्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, Al2H6 नहीं बनता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर HCl की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया आपको आयोनिक बॉन्ड है, तो ये आयोनिक बॉन्ड कोई कोवेलेंट बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये इजिली क्या कर सकते हैं, इसके साथ इजिली क्या कर सकते हैं,
बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एल आई पॉजिटिव सी एल नेगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, बिकॉज ये आयोनिक फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है और ये भी आयोनिक फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, इसलिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एल आई सी एल, ठीक है। एल आई एच नहीं बनेगा बिकॉज यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड इतनी जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। ऑलरेडी जो आयन प्रेजेंट है सिस्टम में, जो अपोजिट आयन रहेंगे कैटायन एनायन, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द 2pz ऑर्बिटल, ठीक है, द 2pz ऑर्बिटल हैज नोड्स पूछा है, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नोड की, कोई भी 2p ऑर्बिटल हो, जैसे आपको पर्टिकुलर बोला जाएगा कि पर्टिकुलर ये एलिमेंट है और इसमें नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करो, ठीक है। तो हमेशा आपको ये चीज याद रखना है कि जो भी हो, चाहे वो 2pz हो, 2px हो, 2py हो, 3p हो, 4p हो, कोई भी, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो टोटल नोड होते हैं, टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, ठीक है, ये याद कर लो। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। फिर अगर हम बात करते हैं एंगुलर नोड की और रेडियल नोड की, ठीक है, तो यहाँ पर जो रेडियल नोड है, जो रेडियल नोड है उसका फॉर्मूला होता है n-l-1, ओके। एन क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है एजिमेथल क्वांटम नंबर। फिर अगर हम बात करेंगे एंगुलर नोड की, ठीक है, तो एंगुलर नोड क्या होता है, सिंपली एल होता है। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, 2pz पूछा है, तो यहाँ पर 2 जो है वो हमारी एन की वैल्यू है, ठीक है, और जो पी है वो हमारा एल की वैल्यू है। जैसे कि मैं अगर बता दू 0, 1, 2, 3, 4, और एल की वैल्यू क्या होती है जीरो के लिए, एस पी डी एफ जी, ठीक है। मतलब अगर पी है मतलब उसकी एल की वैल्यू कितनी होंगी, 1 होंगी, एस है तो उसकी एल की वैल्यू कितनी होंगी, 0 होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल नोड देखते हैं, तो एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, एन की वैल्यू 2 है, तो इट इज 2-1, है ना। तो टोटल नोड इज 2-1 विच इज 1। मतलब यहाँ तो इतनी बात समझ में आ गई कि एटलीस्ट एक नोड तो प्रेजेंट है, चाहे वो रेडियल हो सकता है या फिर एंगुलर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं रेडियल की, तो यहाँ पर 2-l की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1 आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2-1, 1, 1-1, 0। इतनी बात समझ में आ गई कि रेडियल नोड तो प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक रेडियल नोड दिया हुआ है, ये मतलब डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक नोड तो प्रेजेंट है ना, तो 0 वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या है, बात कर लेते हैं एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड इज एल, और यहाँ पर पी के लिए एल क्या है, 1। मतलब इतनी बात समझ में आ रही है कि कितने, एक तो एंगुलर नोड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ तो एक नोड है, बट ये डिफाइन नहीं किया गया है कि ये एंगुलर है या रेडियल है, इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पर एंगुलर नोड प्रेजेंट है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल नोड कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू यूज द फॉर्मूला n-1, रेडियल नोड n-l-1, एंगुलर नोड सिंपल एल, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, द ज़ेनॉन कंपाउंड्स दैट आर आइसोस्ट्रक्चरल विद IBr2- BrO3- रिस्पेक्टिवली, आपको फॉलोइंग ज़ेनॉन के कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उसको कंपेयर करना है आपको IBr2- से और BrO3- से, और आइसोस्ट्रक्चर मतलब इनकी तरह उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम किसके साथ होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया है IBr2-, ठीक है, इसी को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, IBr2-। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ रही है कि जो आयोडीन है वो हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, और जो ब्रोमीन है वो एडजेसेंट एटम्स है। अगर हम बात करें सेंट्रल एटम की, तो सेंट्रल एटम इज आयोडीन, जो कि एक हैलोजन फैमिली से है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही हमारी हैलोजन सीरीज है, ठीक है। अब फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, तो जितने उसके मेंबर्स होंगे उसी ग्रुप के, उसकी वैलेंसी भी 1 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, विच इज वी हैव 1s2, 2s2, 2p5, है ना, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ठीक है, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ 2, 7, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन कम होता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल में
इस पर्टिकुलर मेंबर्स के ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयोडीन भी तो इसी फैमिली मेंबर का है, तो इसके लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। तो यहाँ लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओवरऑल इस कंपाउंड पे एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसने और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, इसीलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 8। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रोमीन 2 दिए हुए हैं, ब्रोमीन की भी वैलेंसी एक ही है तो वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये ब्रोमीन की वैलेंसी एक ही है तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। 2 ब्रोमीन दिए थे मैंने, दोनों के साथ बॉन्डिंग बना दी। अब ये 3 से लेके 8 तक इतने इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब इसे काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5। 5 आ रहा है आपका स्टेरिक नंबर, मतलब ये हो जाएगा आपका sp3d, मतलब ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d इज tbp व्हिच इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ibr2-। ठीक है, क्या आ रहा है? sp3d आ रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो सबसे पहले आयोडीन को सेंट्रल एटम लिखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना दो। अब यहाँ पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर आपको पता है कि जो लोन पेयर्स होते हैं इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो कहाँ पर स्टेबल होते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तीनों लोन पेयर्स मैंने इक्विटोरियल पोजीशन पे बना दिए, 2 ब्रोमीन अटैच कर दिए। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज द ज्योमेट्री, sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन, और आफ्टर द मतलब जब हमने लोन पेयर को प्लेस किया उसकी पोजीशन पे, तो यहाँ पे इसका जो शेप बनकर आ रहा है वो बनकर आ रहा है लीनियर। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं BrO3-। अब BrO3-, सेम बात कि यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, अभी देखा हमने। बट यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया है, तो ये आगे 8। O3, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। 3 ऑक्सीजन दिए हुए हैं यहाँ पर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे? एक लोन पेयर। काउंट करो इसे 1, 2, 3, 4। 4 मतलब क्या? sp3। ठीक है, sp3 मतलब ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? देखो, टेट्राहेड्रल 3, ये ऑक्सीजन बना दो, और एक क्या प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल। इतना क्लियर हुआ? मतलब ये अमोनिया की तरह दिख रहा है ना, कैसा दिखाई दे रहा है? ये पिरामिडल जैसा दिखाई दे रहा है शेप इसका। अब हमारे पास दिया है XeF2 एंड XeO3, इसके भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है? XeF2 है ना, तो ये ज़ेनॉन किस फैमिली का मेंबर है? नोबल गैसेस। इनके लास्ट शेल में, इनके तो ऑक्टेट ही कंप्लीट होते हैं, मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। इतना समझ में आया? तो यहाँ पर लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 2 फ्लोरीन है, एक ही वैलेंसी होती है, एक एक फ्लोरीन को अटैच कर दो। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर। ठीक है, काउंटिंग करो 1, 2, 3, 4, 5। 5 मतलब वही आ गया sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 3 लोन पेयर है, और लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इक्विटोरियल पोजीशन पे स्टेबल होते हैं, तो यहां पर बना दिया मैंने लोन पेयर। ठीक है, और ये आ गया फ्लोरीन फ्लोरीन, तो ये बन गया लीनियर। मतलब ये बोल सकती हूँ मैं कि ये IBr2- एंड XeF2- ये क्या है? एक दूसरे के साथ आइसो स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या दिया हुआ था? XeO3 है ना, XeO3, तो वही बात हो जाएगी, ये भी पिरामिडल आ जाएगा। देखो ध्यान से करके देखो, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करवा दो सबसे पहले, और जो बच गया उसको बना दो लोन पेयर। ये आ जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 ऑक्सीजन। तो यहां समझ में आई आपको बात कि क्या समझा? कि ये जो IBr2- है ये लीनियर है, और ये क्या है? पिरामिडल है। तो कौन सा ऑप्शन इसके साथ जाएगा? कि ये लीनियर है और ये पिरामिडल है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
ये देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कब होता है, जब मिथेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपको किस तरीके से इमेजिनेशन करना है, जैसे अमोनिया में होता है पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में देखो, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैविंग द शेप हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। सबसे पहले देखो, अगर बात हो रही है जीरो डाइपोल मोमेंट की, एक तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो या फिर डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो कब आता है, जब एरोस एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, डाइपोल एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। या फिर जीरो डाइपोल मोमेंट किस केस में आता है, जहां पर परफेक्ट ज्योमेट्री होती है। क्या होती है, जहां पे परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो जहां पे परफेक्ट ज्योमेट्री होंगी वही क्या हो सकता है, परफेक्ट ज्योमेट्री होंगी तो वहां पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जेनॉन ले रही हूँ, ठीक है, ठीक है, ये आपको गिवन, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये गिवन है पेंटागोनल प्लेनर शेप। कैसा दिया हुआ है ये, पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है, मतलब जितने भी फ्लोरीन है वो पेंटागोनल रिंग के शेप में एक ही प्लेन में है, ठीक है, एक ही प्लेन में है, मतलब परफेक्ट ज्योमेट्री है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये चारों फ्लोरीन एक प्लेन में है और दो फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड से जेड आउट है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, आइदर जेड इन या जेड आउट के तौर पे, ठीक है, मतलब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ठीक है। बेंड शेप की अगर हम बात करें तो हाँ, एज वॉटर ले सकते हैं हम, वी शेप, बेंड शेप, ठीक है, मतलब बेंड से मतलब क्या है कि परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है। सीसॉ या फिर डिस्पेंडोइल शेप हम जिसे कहते हैं, ठीक है, ये बन गया हमारा सीसॉ टाइप स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किसका जीरो आएगा, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि जिसकी भी परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, जो एक ही प्लेन में एटम्स होते हैं, जो परफेक्ट शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द चार्ज, यहाँ पर हमको ये एन है, ठीक है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिलिकेट आयन, ठीक है। सिलिकेट केमिस्ट्री में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आइदर टीफर को में कहेंगे हम या फिर बीएचयू डीयू गेट में भी सिलिकेट से रिलेटेड या सिलिकेट केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। जब कभी भी आपको ओवरऑल चार्ज निकालना होता है सिलिकेट का, तो देखो इस तरीके के प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करेंगे नॉर्मल मतलब सिलिकेट्स का, तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, SiO4 फोर माइनस, ठीक है, ये नॉर्मल चार्ज होता है। अब यहां पर हमें गिवन है Si2O7 और हमें ओवरऑल चार्ज मतलब कि n कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो कैसे चार्ज कैलकुलेट करूंगे, बहुत इजी है। यहां पर ये जो सिलिकॉन है किसके फैमिली का मेंबर है, कार्बन के, ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है, कार्बन के जस्ट नीचे आता है, ये कार्बन के जस्ट क्या आता है, नीचे आता है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के वैलेंसी कितनी होती है, 4, इट मींस व्हाट कि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि सिलिकॉन, तो जैसे कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट, तो सिलिकॉन के भी लास्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक ही ग्रुप के मेंबर है ये। तो यहाँ पर कितने सिलिकॉन दिए हुए हैं आपको, 2 सिलिकॉन दिए हुए हैं, और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4, तो 4 × 2 कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कंसिडर करो कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, तो मैंने 4 × 2 किया, कितना आ गया, 8 आ गया। वैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, -2 होता है, एक ऑक्सीजन पे -2, तो यहाँ पर 7 × -2 यह आ जाएगा -14, तो यहाँ पर -14 + 8, 14 में से 8 जाएगा और नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, क्योंकि बड़े नंबर पे नेगेटिव चार्ज है, तो 14 - 8 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, n = -, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब भी आपको कोई भी सिलिकेट हो, आपको अगर ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना है, देखो अगर मैंने बताया SiO4 4-,
यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे, सिलिकॉन कितना है 4, एक ही दिया हुआ है तो 4 × 1 ये आ गया 4। फिर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो ये आ जाएगा -2 × 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये आ जाएगा -8। ठीक है, -8 + 4 ये आ जाएगा -4, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, -4। इसी तरीके से आपको कोई भी सिलिकेट का चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है। क्या है, द बोरॉन मिनरल बोरेक्स ओके कंटेन द एनायन, एक बोरॉक्स का मिनरल है, उसमें उस बोरॉक्स मिनरल में आपको एक एनायन दिया हुआ है जो एनायन है H4B4O92-। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इन दिस एनायन, मतलब ये आपको गिवन है एनायन, आपको नॉर्मली इस बोरॉन की क्या कैलकुलेट करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पर H4B4O92-, ठीक है, किसकी कैलकुलेट करनी है, बोरॉन की। तो यहाँ पे बोरॉन को हम क्या मानेंगे, X, कितने बोरॉन गिवन है 4, तो यहाँ पर क्या मानेंगे आप 4X। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, तो ये आ जाएगा +4 क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, -2, तो यहाँ पर -2 × 9 ये आ जाएगा -18 विच इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं इसको, हाँ देखो और क्या कर सकते हैं, 4x -18 - 4 ये आ जाएगा 14 इक्वल्स टू -2, 4x इक्वल्स टू -2 - 14 इधर राइट हैंड साइड जाने पर +14, तो 4x विच इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 12/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगे, 4 × 3 = 12, ऑप्शन बी। समझ में आया, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या लिखा हुआ है इसमें, विच वन अमंग द क्लोराइड्स, आपको कुछ क्लोराइड्स मेंशन है, सबसे पहले है ZnCl2, उसके बाद दिया हुआ है HgCl2, उसके बाद दिया हुआ है BaCl2, उसके बाद दिया हुआ है आपको AlCl2। ठीक है, इज डिसोसिएटेड टू द लीस्ट एक्सटेंट इन एन एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है पूछा है। ठीक है, लीस्ट सॉल्युबल इन एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस मतलब वाटर प्रेजेंट होगा, लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, ये आपका मेन क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहली बात याद रखो कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हमें पता है, बहुत बार हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया है ना, नमक को डिसॉल्व किया है, NaCl KCl क्या होता है वाटर, क्योंकि ऑलरेडी आयंस फॉर्म में होते हैं तो वाटर में इजीली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम होती है, ये नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, बिकॉज जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आयंस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कोवेलेंट की, तो कोवेलेंट में आप याद रखो HCl, अब HCl क्या है, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन। ठीक है, अगर स्मॉल कैटायन है, लार्ज एनायन है, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड का, और यहां पर जस्ट इसका अपोजिट कर दो, स्मॉल एनायन कर दो और लार्ज कैटायन कर दो, तो ये किसकी बात हो गई, हम आयोनिक की बात हो गई। अब यहां पर देखो, जो बेरिलियम Cl2 है, बेरियम सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स याद है, क्या है, बेरियम है ना, बेगम का सर 12। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, इट इज आयोनिक इन नेचर, इट इज आयोनिक इन नेचर, मतलब अगर आयोनिक है मतलब इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो AlCl3 है ये भी आयोनिक है, BaCl2 है ये भी आयोनिक है, यहाँ पर ZnCl2 है, Zn को ट्रांजिशन मेटल नहीं मानना है आपको। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन मेटल के, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स ये बोल सकते हैं हम कि ट्रांजिशन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो Zn से क्या करती है,
सिमिलर है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में। इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल के साथ रखा गया है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिनके डी ऑर्बिटल क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आयोनिक इन नेचर। लेकिन अगर हम बात करें HgCl2 की, तो HgCl2 कैसा है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर का है, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा कम होंगी, लीस्ट सॉल्युबल होगा, इसीलिए बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट पोलराइजिंग पावर। क्या दिया हुआ है, विच अमंग द गिवन आयंस हैज द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, ठीक है। अब पोलराइजिंग पावर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है पोलराइजिंग पावर। क्या दिया हुआ है आपको, पोलराइजिंग पावर। अब सबसे पहली बात कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है, तो इट रेफर्स टू एन एटम, एक एटम की बात होती है इसमें, जिसकी एबिलिटी होती है, ठीक है। रेफर्स टू एन एटम, रेफर्स टू एन एटम, refers to an atom that is ability to, refers to an atom has an ability to pull electron towards itself, ठीक है, refers to an atom which has ability to pull electron towards itself, ठीक है। मतलब देखो क्या होता है कि polarizing power किसका सबसे ज्यादा होगा, एक ऐसे atom का जो अपने तरफ electron को pull करने की property या strongness रखता हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, रेफर्स टू एन एटम एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स, ठीक है। मतलब कि देखो एक ऐसा एटम, उसका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होना चाहिए कि जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सके, पुल कर सके, खींच सके, अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। इतना समझ में आ गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना है, पुल करना है, इतना समझो। एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना है, पुल करना है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर पुल करना है, तो बीइंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ पावर से उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो वो किस कौन कर सकता है, ऑब्वियसली कोई प्रोटॉन ही होना, सॉरी ऑब्वियसली कोई कैटायन ही होना चाहिए, है ना। क्यों, एक पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इतनी बात तो क्लियर है ना। क्योंकि अगर एक नेगेटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो ये आपस में अट्रैक्ट ही क्यों होंगे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो पोलराइजिंग पावर है वो कैटायन का ज्यादा होता है। पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होता है, कैटायन का ज्यादा होता है, क्योंकि कैटायन का पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर किससे रिलेटेड है, कैटायन से रिलेटेड है, ठीक है। और पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कह सकते हैं इसको कि जिस कैटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा और उस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उस कैटायन का पोलराइजिंग पावर टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए उतना ही मैक्सिमम होगा। अब मेरे ख्याल से आपके लिए ये क्वेश्चन इजी है, विच अमंग द गिवन आयन हैज द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पोलराइजिंग जो अपनी तरफ खींचेगा वो है कैटायन, जिसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्ज साइज किसका है, स्मॉलेस्ट साइज किसका है, एल्यूमिनियम का, क्योंकि इसके ऊपर सबसे मैक्सिमम चार्ज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, विच कंपाउंड कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड एज वेल एज लुईस बेस, वॉटर, ZnCl2, अमोनिया एंड BF3। इतने सारे हमको कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें से हमें उस कंपाउंड के को चूज करना है जो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करेगा
और लुईस बेस की तरह भी बिहेव करेंगे, ठीक है, मतलब कैन एक्ट एज बोथ लुईस एसिड एज वेल एज लुईस बेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुईस एसिड की। लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, क्या करता है लुईस एसिड, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बात कर लेते हैं लुईस बेस की, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। तो मेटल, यहां पे इतनी बात समझ में आ गई, जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये हमने कहां पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, कि जो लिगैंड है जो लुईस बेस की तरह काम करते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देते हैं, मेटल को दे देते हैं, और मेटल में कुछ एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, तो वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल में बेस क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। तो लुईस मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो उसे कौन देता है, बेस देता है, मतलब कि लिगैंड देता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो है लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो है लुईस बेस, ठीक है। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो एक्सेप्ट करेगा उसके पास जगह भी तो होनी चाहिए कोई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, हम कोई पर्टिकुलर चीज किसी को दे रहे हैं, लेकिन अगर उसके पास जगह नहीं है उस चीज को रखने की, तो वो चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि जो लुईस एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट तो जरूर करता है, तभी उसे हम लुईस एसिड कहते हैं, लेकिन कब करता है, कि लुईस एसिड के पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो लुईस एसिड होने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके पास एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि उसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो वो उसे क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें वाटर की, तो यहां पर ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, लेकिन इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए लुईस एसिड की तरह वर्क नहीं कर सकता। ये किसकी तरह वर्क करेगा, लुईस बेस की तरह वर्क करेगा। वैसे ही अगर हम बात करेंगे अमोनिया की, तो अमोनिया तो इस बेसिक इन नेचर, वी ऑल नो दैट, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी NF3 और NCl3 का जब स्ट्रक्चर समझाया था, मैंने बताया था आपको कि नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होती, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये सिर्फ लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर वाटर और अमोनिया तो वैसे ही क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं BF3, यहाँ तो देखो बोरॉन केमिस्ट्री तो हमने काफी पढ़ रखी है, और हमने बोरॉन केमिस्ट्री पढ़ते वक्त हमें यही समझा है कि जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, ठीक है। बोरॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होता है, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, और इससे जो ये तीनों लिगैंड्स अटैच्ड है ये खुद इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो उससे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, पुल करेंगे, और वो खुद इतना डेफिशिएंट है उससे ऐसे ग्रुप हमने अटैच करवा दिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, मतलब ये बोरॉन की डेफिशिएंसी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर बोरॉन की डेफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है मतलब उसकी लुईस एसिडिटी का पावर इंक्रीज हो रहा है, इनके पास ये देखो डेफिशिएंट है, ये क्या किसी को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, मतलब ये लुईस एसिड की तरह वर्क करेंगे, लुईस बेस की तरह वर्क नहीं करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब बात कर लेते हैं ZnCl2, यही एक ऑप्शन बचा है और यही राइट होना चाहिए, ठीक है। तो ZnCl2, ठीक है। अब क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास लोन पेयर है एंड इट कैन डोनेट, ठीक है। क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड इट मे डोनेट, है ना, लोन पेयर है तो वो डोनेट कर सकता है, मतलब ये लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है। टिन किसके फैमिली मेंबर है, कार्बन फैमिली मेंबर, ठीक है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं साइज ऑफ द ऑर्बिटल एज वेल एज साइज ऑफ एन एटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम साइज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, तो डी ऑर्बिटल का साइज भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है।
मतलब यहाँ पर डाउन द ग्रुप एक तो उनको डी ऑर्बिटल भी मिल रही है, साइज भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर टिन के पास क्या प्रेजेंट होती है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल. एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इट मींस व्हाट? कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है. और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब ये लुईस एसिड की तरह भी वर्क कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है कि ये लुईस एसिड की तरह और लुईस बेस की तरह दोनों भी वर्क कर सकते हैं. अब मैंने आपको लुईस एसिडिटी का कॉन्सेप्ट समझाया है ना, ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे. सबसे पहले आपको गिवन है Li4CH3 4, हाँ, BCH3 थ्राइस, SiCH3 4 एंड SiCH3 Cl3, और इनका लुईस एसिडिटी ऑर्डर बताना है. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई है ही नहीं, ठीक है. तीन बॉन्ड बनाने के बाद भी उसकी डेफिशिएंसी खत्म नहीं होती है, इस वजह से ही तो वो बनाना शेप बॉन्ड बनाता है, ठीक है. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई स्पीसीज अगर है तो वो है बोरेन्स या बोरो, ठीक है. तो यहाँ पर सिंपल सी ऑप्शन डी आप देखते बराबर ही इसे करेक्ट कर दो, क्योंकि जो बोरॉन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये है लुईस एसिड. जब अगर किसी को मौका मिले कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए तो सबसे पहले दौड़कर कौन जाएगा? बोरेन या बोरॉन के कंपाउंड जाएंगे, क्योंकि वो एक्सट्रीमली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होते हैं, ठीक है. उनको जितने भी इलेक्ट्रॉन दो उनकी डेफिशिएंसी कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है. उसके बाद ये है Li4CH3 4. अब देख लेते हैं कि बोरॉन के बाद इसे क्यों कैटेगरी में रखे हैं. तो इसे ध्यान से देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, Li CH3, ठीक है, CH3 ठीक है, इसको इससे अटैच कर दो, मतलब ऐसा क्यूब लाइक शेप बनाना है आपको, क्यूब जैसे बनाना है, ठीक है. ये आगे हमारा Li3, 1 2 3 4, हाँ, Li4 CH3 कितने हो गए, 1 2 3 4, CH3 4 का स्ट्रक्चर, ठीक है. अब आप खुद ही स्ट्रक्चर को देखकर एनालाइज करो कि जो लिथियम है इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है. वी नो दैट कि लिथियम की एक ही वैलेंसी होती है ना. हाइड्रोजन लिथियम सेम सीरीज के मेंबर्स है, एक ही वैलेंसी होती है. एक वैलेंसी हो रही है मतलब एक ही के साथ बॉन्ड बना पा रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है. तो ये बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जा रहा है. क्या बन जा रहा है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है. तो सबसे पहले बोरॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 बॉन्ड बनाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. उसके बाद सिलिकॉन CH3 Cl3 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो इसका एसिडिटी ऑर्डर ज्यादा है इसकी कंपैरिजन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है, सेम सिमेट्री बोला है. देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसकी जो सिमेट्री होती है वो कितनी क्या होती है, देखो सेम, देखो ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन को पकड़ के अगर मैं तीनों हाइड्रोजन को घुमाऊं तो यहाँ पर C3 एक्सिस है, और यहां से अगर हम सिमेट्री पास करें तो यहां से ही एक वर्टिकल प्लेन पास हो सकता है, तो जैसे C3V. CH4 तो परफेक्ट है, ये तो टेट्राहेड्रल है. BF3 की बात करें तो BF3 का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं. कैसे होते हैं ये? प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं. तो एक तो C3 एक्सिस है, और अगर मैं ये बोरॉन को पकड़कर तीनों फ्लोरीन को घुमाऊं, है ना, बोरॉन को ही पकड़कर तीनों फ्लोरीन सर्कुलर वे में रोटेट हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है, मतलब ये बन जाएगा मेरा D3H, ठीक है. तो ये ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया, सेम सिमेट्री बोल रहा है, तो BF3 वाली तो सेम सिमेट्री नहीं आ रही है क्योंकि हमें C3V चाहिए. ये टेट्राहेड्रल है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. अगर हम बात करेंगे C3CH3OH की, तो यहां पर तो 2 लोन पेयर है, अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर है, तो इसकी सिमेट्री और इसकी सिमेट्री तो वैसे भी सेम नहीं हो सकती. देखो यहाँ पर सिर्फ CH टाइप है, सिर्फ प्लेन ही पास हो सकता है, कोई दूसरी सिमेट्री तो पास हो नहीं सकती ड्यू टू द हैविंग 2 लोन पेयर, ठीक है. फिर बात कर लेते हैं CHCl3 की,
तो ये क्लोरीन से तीनों क्लोरीन अटैच्ड है, सेम क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है, तो ये आ जाएगा C3। और यहां से अगर मैं प्लेन पास कर दूं तो ये क्लोरीन यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्लोरीन यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है C3B, तो हमें C3B सेम ही तो सिमेट्री चाहिए थी, क्वेश्चन में सेम सिमेट्री ही पूछी गई है, तो यहाँ पर अमोनिया और CHCl3 का दोनों का पॉइंट ग्रुप सेम है, सेम सिमेट्री। समझ में आई बात? हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इन डाइबोरिन, दिस इज नॉट बोरोन, बोरोन नहीं है, ठीक है, इन डाइबोरिन, डाइबोरिन का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, कि पहले मैंने समझाया आपको बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्या बनाता है, बनाना शेप बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स ऑक्टेट, अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए वो इस तरीके से ब्रिजिंग ब्रिजिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं या बनाना शेप बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, क्यों बनाना शेप बॉन्ड बनाते हैं या ब्रिजिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि उनकी जो डेफिशिएंसी है वो थोड़ी बहुत मेंटेन कर सके, ठीक है, तो ये है हमारा डायबोरिन का स्ट्रक्चर B2S6। अब इस स्ट्रक्चर को देखकर एनालाइज करो कि क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिट अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड बोरॉन, बोरॉन और बोरॉन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बोला है, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए वैसे ही कैंसिल, ऑल द एटम्स आर इन वन प्लेन, बोल रहा है कि सारे एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये होते हैं फ्रंट में, ये होता है बैक में, फिर ये होता है फ्रंट में, ये होता है बैक में, एक प्लेन में एटम्स डायबोरिन के केस में नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, देयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BHb, मतलब ये ब्रिजिंग की बात हो रही है, देखो BHb इज फॉर्मड बाय टू इलेक्ट्रॉन, बोल रहा है दोनों के बीच में जो ब्रिजिंग कंपाउंड्स है या ब्रिजिंग एटम्स है BHb, उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पूछा है कि दोनों के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग होगा और ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो हाइड्रोजन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो आपस में यहां से यहां तक ब्रिजिंग के थ्रू क्या होते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ पर क्या होते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं, ठीक है, दो तीन चार इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दो ही इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेते हैं, ब्रिजिंग, क्योंकि देखो दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लगता है, लेकिन इनको बनाना शेप बॉन्ड बनाना पड़ा क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वही दो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये क्या करते हैं, नॉर्मल ब्रिजिंग बना लेते हैं या ब्रिज बॉन्ड फॉर्म करते हैं या फिर बनाना शेप बॉन्ड फॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, so thank you so much everyone, please like the video, share the video and subscribe the channel.